हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लास सिक्स की हनीसकल बुक का चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन सम ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल्स हु इजली सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस ऑफ डेजर्ट। हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे एनिमल्स को फोकस करेंगे, एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही हार्श कंडीशंस में, हार्श कंडीशन का मतलब है मुश्किल हालात में, जो मुश्किल हालात होते हैं रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में, उसको ये आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, उसमें जीते हैं ये एनिमल्स। वन इज द जर्बिल्स। जर्बिल्स का मतलब होता है डेजर्ट रैट। डेजर्ट का ना रेगिस्तान और रैट का ना चूहा, यानी कि रेगिस्तानी चूहा ये। इट मेक्स डीप फरोज एंड स्टेज इन साइड वन द सर्फेस इज वेरी हॉट। तो जर्बिल्स क्या करते हैं, ये बहुत ही डीप, बहुत ही गहरे गड्ढे बना देते हैं ये रेगिस्तान के अंदर, और उसी के अंदर रहते हैं जबकि सरफेस बहुत हॉट है। जब उनकी जो सरफेस है, जो सतह है, जब बहुत ज़्यादा गर्म रहती है तो ये ज़मीन के अंदर बहुत ही गहराई में चले जाते हैं जहाँ पे उनको उतनी गर्मी नहीं लगती है। और यही कारण है कि जो डेजर्ट रैट हैं ये रेगिस्तान में भी आसानी से रह लेते हैं। अनदर इज अ डार्कलिंग बीटल। इट्स फीट अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो दूसरा एनिमल है वो डार्कलिंग बीटल है, ये कीड़ा होता है जो इसकी पैर हैं, ये अपने पैरों से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करती है। मॉइस्चर का मतलब नमी और अब्सॉर्ब का मतलब सोखना होता है। तो अपनी जो चारों तरफ से नमी को सोखती है। डार्कलिंग बीटल लिफ्ट्स दीज फीट एंड वाटर ड्रॉप्स ट्रिकल टू देयर माउथ। और जो उनकी फीट होती है, जो उनकी पैर होते हैं, वो उनको ऊपर उठाती हैं और अपने मुंह में डालती हैं ताकि जो उनके फीट से, जो उनके पैर से सारा जो पानी की बूंदें उनके मुंह में चले जाए। अदर फेमस एग्जाम्पल्स इंक्लूड रैटल स्नेक, कैमल एंड मंगूस। और भी कुछ एग्जाम्पल है, रैटल स्नेक सांप होता है, कैमल का मतलब ऊंट और मंगूस यानी नेवला। रैटल स्नेक लिव इन द ड्राई एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका। जो रैटल स्नेक्स हैं, सांप हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो ड्राई एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका में जो सूखे पथरीले जो रेगिस्तान है, रैटल स्नेक्स वहाँ रहते हैं। इट इज डेडली, ये बहुत ज्यादा जानलेवा है। व्हेन डिस्टर्ब इट मेक्स अ रैटलिंग साउंड एंड वार्न इंट्रूडर्स। रैटल स्नेक बहुत ज्यादा जानलेवा है अगर इनको हम डिस्टर्ब करेंगे, और ये रैटलिंग साउंड भी बनाते हैं। रैटलिंग साउंड का मतलब एक तरह के साउंड उत्पन्न करते हैं ये। और जो इंट्रूडर्स हैं, जो घुसपैठी हैं, जो लोग इनके या जो एनिमल्स इनके जो एरिया में एंटर कर जाते हैं, उनको वार्न करने के लिए, सावधान करने के लिए एक साउंड निकालते हैं, और वो साउंड ये अपने जो लास्ट जो टेल होती है इनकी, उसको हिला के बनाते हैं ये। मंगूज। मंगूज लिव्स इन ग्रुप्स एंड सर्वाइव्स ऑन स्मॉल एनिमल्स। जो मंगूज है, नेवला है, वो ग्रुप्स में रहते हैं, समूहों में रहते हैं, और ये छोटे जानवरों को खाते हैं। दे आर दी ओनली एनिमल्स दैट किल डेडली स्नेक्स। और ये सिर्फ एक ही ये जानवर हैं जो कि डेडली स्नेक्स, जो कि बहुत ही घातक जो सांप होते हैं उनको मार के खाते हैं। दे फर्स्ट टीज स्नेक्स, पहले तो ये परेशान करते हैं। टीज का मतलब था परेशान करना, पहले ही सांपों को परेशान करते हैं। वंस दिस स्नेक इज टायर्ड दे किल देम। और जब एक बार सांप थक जाता है तो ये उसके बाद ये उनको मार देते हैं। कैमल्स। कैमल्स हैव अ लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इन दी बॉडी। जो ऊँट हैं उनके पास ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी के अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं, वो जमा कर लेते हैं एक ही बार में। इट ड्रिंक्स 30 gallons। अभी 30 gallons क्या होते हैं, एक गैलन का मतलब होता है 4.5 liters। तो 30 gallons हो गए हमारे 130 liters, 130 liters ऑफ वाटर ड्यूरिंग वन टाइम एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मंथ। एक बार में इतना सारा पानी पी लेते हैं और बहुत महीनों तक ये उसी पे सर्वाइव करते हैं, उसी पे जीते हैं ये। तो इनको हर रोज पानी पीने की जरूरत नहीं है। इट्स हम्प स्टोर्स फैट। और जो ऊंट का जो कूबड़ है उसके अंदर फैट होता है, वसा होता है। फैट गिव्स कैमल एनर्जी ड्यूरिंग द स्कैर्सिटी ऑफ फूड। अब जिस टाइम खाना ऊंटों को नहीं मिलता है तो ये फैट से ही इनको एनर्जी मिलती है ऊंट को। ऑलराइट, सो दिस वाज द टुडेज लेसन। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इसी तरह के लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। आज का लेसन अगर आपने एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।